बाबा। हाँ जी है नंबर बताने की जरूरत नहीं, आप बोलिए। लिखा है वरदवंशी प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता है, प्रकट होते हैं, अंत में भी प्रत्यक्ष नहीं रहते हैं, तो इसके प्रूफ होता है आत्मा परम धाम निवासी है। क्या क्या आत्मा परम धाम? गीता में श्लोक कौन सा है? सेकंड चैप्टर का 28। क्या श्लोक है? इसको तो संस्कृत में है, अंग्रेजी में तो है नहीं। है? इसमें मीनिंग ऐसे लिखा हुआ है। इसमें किसने लिखा? बाबा ने लिखा। बाबा ने लिखा आपकी डायरी में? है? क्या लिखा है? ये लिखा है तो समझ में नहीं आता है। भरतवंशी प्राणियों का आदि दिखाई नहीं देता, वे बीच में प्रकट होते हैं, अंत में भी प्रत्यक्ष नहीं रहते हैं, उसमें शोक क्या करना। हाँ। इस लोक में आत्मा अव्यक्त लोक परम धामवासी प्रमाणित होते हैं। हाँ। समझ में नहीं आया। उसमें ये है अव्यक्तादीन भूताने, ये उसका अर्थ ये है कि जो प्राणी हैं वो सृष्टि के आदि में अव्यक्त थे, अव्यक्तादीन भूताने मध्य में व्यक्त रहते हैं, और अंत में जब सृष्टि का अंत होता है तो अव्यक्त हो जाते हैं। माने सभी प्राणी जो हैं, सभी जीवात्माएं अपना शरीर छोड़कर बिंदु बन जाते हैं। तो बिंदु दिखाई पड़ता है कि नहीं? नहीं, आत्मा बन जाते हैं। तो अंत में क्या हाल होता है सबका? कहाँ चले जाते? परमधाम चले जाते, अव्यक्त धाम में चले जाते। तो सबका यही हाल होता है कि एक का ये हाल होता है, सभी प्राणियों का ये हाल है कि सभी प्राणी आदि में भी परम धाम में अव्यक्त थे, और इस सृष्टि का अंत होता है तो भी अव्यक्त हो जाते हैं, और बीच में व्यक्त होते हैं। माना ये जो 5000 वर्ष की सृष्टि है इसमें सभी प्राणी मात्र नंबरवार व्यक्त रहते हैं, बाकी आदि और अंत में अव्यक्त हो जाते हैं। फिर इसमें दुखी होना क्या? दुखी होने का कारण क्या है? कि अपन को आत्मा नहीं समझते। अगर अपन को सदैव आत्मा ही प्रैक्टिस करें समझने की, तो सुख दुख से क्या हो जाएं? परे हो जाएंगे। और अभी मुरली में आया कि विदेशियों ने बाप को ठुकरा दिया है, उन लोगों ने बाप के साकार माध्यम को पहचाना नहीं है, तो वो बेहद में भारत के जो विदेशी है उन लोगों को ये बात लागू पड़ेगी, क्योंकि बाबा मुरली में बोला है ना कि विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, जो जाना नहीं तो मैंने प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? जितना भी जो कुछ भी जाना, थोड़ा बहुत जाना कि नहीं जाना? तो जाना तो उन्होंने सेवा की या नहीं की? सेवा तो की ना, जितना पहचान हुई उतना लोगों को बता दिया कि यही भगवान हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। हाँ। और सतयुग की आदि की जनसंख्या 9 लाख है और सतयुग एंड की 2 करोड़ है, तो 21 गुना वृद्धि हो गई, और त्रेता एंड की 10 करोड़ है तो 5 गुना ही वृद्धि हो गई, वो कैसे? श्रेष्ठ आत्माएं जास्ती विकारी सुख भोगती हैं, या जो प्रजावर्ग की आत्माएं निष्कष्ट होती हैं वो जास्ती सुख भोगने के चक्कर में रहती है? प्रजावर्ग प्रजावर्ग की आत्माएं
जास्ती सुख भोगती है। कौन सा? देह का या आत्मा का? देह का सुख जास्ती भोगती है, इसलिए उनकी जनसंख्या बढ़ जाती। त्रेता में ज्यादा श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं या सतयुग में ज्यादा श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं? कहाँ होती हैं? सतयुग में ज्यादा श्रेष्ठ आत्माएं हैं, 16 कला संपूर्णता की ओर हैं, इसलिए पवित्रता का सुख जास्ती लेती है। और गिरती कला का सुख त्रेता की आत्माएं लेती हैं ज्यादा कि सतयुग की आत्माएं लेती हैं? त्रेता की आत्माएं देह का सुख, भले ज्ञान इंद्रियां ही क्यों न हो देह की, उनका सुख जास्ती लेती। उनमें भी जो राज परिवार की आत्माएं हैं वो देह का सुख कम लेती हैं, आत्मिक सुख जास्ती लेती हैं। अब आज की दुनिया में भी जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिवार हैं और जो झोपड़ी में रहने वाले परिवार हैं कि नहीं, ज्यादा देह का सुख लेने के चक्कर में कौन रहते हैं? उनको कोई एंटरटेनमेंट का ऊंचा अच्छा साधन नहीं, मिलता ही नहीं है, इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और जो ऊंची कास्ट के होते हैं उनमें बच्चों की पैदाइश कम होती है। और बाबा कर्मातीत अवस्था, हाँ, कर्म से अतीत आत्मा की स्टेज कैसी हो जाए? कर्म से अतीत कर्म करते रहे लेकिन कर्म का लेप छेप बुद्धि को न लगे। मान लो किसी इंद्रिय से सुख लिया, किसी देहधारी के साथ, भले ज्ञान इंद्रिय आपकी क्यों ना हो, श्रेष्ठ इंद्रिय है ना, ज्ञान इंद्रिय है ना, कोई भी इंद्रियों से कोई देहधारी के साथ सुख लिया तो वो याद आता है कि नहीं? आता है या नहीं? आता है। इसका मतलब आत्मा ने जो उस इंद्रिय से सुख भोगने का कर्म किया उससे अतीत हुई या नहीं हुई? है? उस सुख भोगने से परे गई या नहीं गई? है? नहीं गई। तो कर्मातीत कहेंगे? नहीं कहेंगे। कर्म करे, बल कर्म करे, लेकिन ऐसी 100% आत्मिक स्टेज हो जिसमें कर्म इंद्रियां और कर्म इंद्रियों के अर्थ भोग उनमें बुद्धि ही न जाए। क्या आत्मिक स्थिति रहे तो ऐसी स्टेज की जो प्रैक्टिस करेंगे वो जल्दी जल्दी कर्मातीत बनेंगे। समझ में नहीं आया? आ गया बाबा। और शिवलिंगों के मुकाबले है? और शिवलिंगों के मुकाबले केदारनाथ की जो शिवलिंग माना मंदिर है वो 6 महीने बंद और 6 महीने खुले, ऐसे क्यों? बेहद में उसका क्या? जो केदारनाथ है अथवा कोई भी 4 धाम है, वो 4 धाम जो मंदिर है वो किसकी यादगार है? 4 धाम 4 दिशाओं में किसकी यादगार है? 4 धर्म पिताओं की यादगार है। नहीं, जो 4 धर्म के मूल बीज हैं इस सृष्टि में, ब्रह्मा की पहली पहली 4 औलाद हैं, ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले 4 बीज हैं, उनमें 1 बीज है केदारनाथ। क्या? हाँ। के माने कितनी, दार माने डाली, कितने में बुद्धि डाली? इसका मतलब बहुतों में बुद्धि गई कि नहीं गई?
उनके नाथ है। कौन है? है कौन से धर्म वाले हैं? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी मूल किसको पकड़ेंगे? कौन? इब्राहिम। इब्राहिम जो ऊपर से आता है वो है, इब्राहिम जो ऊपर से आता है वो नहीं। क्यों? है वो 6 महीने अपनी आंखों के द्वार खोले हुए नहीं रखता? नहीं रखता, आंखों के द्वार खोले रहते हैं पूरे, नहीं चिमचिमाते रहते हैं। खुले तो कहेंगे, और 6 महीने परमधाम में आत्मा पड़ी रहती है, वो तो आंखें होती ही नहीं है कि होती हैं? द्वार बंद रहते हैं, क्या कहेंगे? द्वार बंद। चलो, उनसे उतना क्लियर नहीं हो रहा है। उनके कोई आधार मूर्त होते हैं कि नहीं होते हैं? इब्राहिम ने किसी को आधार लिया? जैसे क्राइस्ट ने जीसस का आधार लिया, तो इब्राहिम ने भी जिसका आधार लिया वो आधार मूर्त। और आधार मूर्त का भी कोई बाप होता है या नहीं होता है? उसका भी जो बाप है, बाप कहो पति कहो, पति माता का आधार लेता है। तो जो आधार लेने वाला बीज है उसका भी कोई है या नहीं है? इब्राहिम की आत्मा जिसका आधार लेती है उसका भी कोई बीज बाप होता है या नहीं होता है? वो कौन है? अरे कौन से धर्म का होगा? इस्लाम का बीज। इस्लाम धर्म का बीज होगा। कौन है? रामायण में भरत है। रामायण में उसको भरत कहते हैं। 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सबसे बड़ा राम, वो तो देवी देवता सनातन धर्म का हो गया। उसके बाद नाम तो लक्ष्मण का आता है, लेकिन लक्ष्मण छोटे थे, बड़ा कौन था? भरत। तो भरत जो इस्लाम धर्म की मूल बीज आत्मा है, वो मूल बीज रूप आत्मा, उसका गायन है केदारनाथ। उसकी बुद्धि कितनों में डाली जाती है? उनकी बुद्धि कितनों में गिरी? 6 माताओं ने जन्म दिया, पाला, जन्म नहीं दिया, पाला। तो उनकी बुद्धि 6 धर्म में जाती है। एक में बुद्धि जाना चाहिए, मातेला एक का होना चाहिए या अनेक माताएं? एक माता होनी चाहिए। कृष्ण को भी 2 माताएं हो गई तो भले 16 कला संपूर्ण है तो भी धब्बा आ गया। ज्ञान चंद्रमा में धब्बा है या नहीं है? है। तो उनको तो 6-6 माता है, है? को कितने कितने की बुद्धि, कितने कितने की गोद में डाले गए पालने के लिए? 6 की बुद्धि में डाले गए। वो आत्मा जो यज्ञ के आदि में भी थी, जो बाबा ने मुरली बोला 4 घोड़ों की गाड़ी दिखाते हैं, वो रथ कैसा है? कितने अश्व? 4 मन बुद्धि रूपी अश्व, मन रूपी अश्व। उनमें से एक भरत रूपी अश्व की यादगार है। वो भरत रूपी अश्व अनेकों में बुद्धि गिराता है, एक में फिक्स होकर के नहीं रहता है। इसलिए उसका जैसा काम वैसा नाम पड़ गया, केदारनाथ। तो देवान वाला होगा,
या आत्माभिमान वाला होगा? देहभान वाला होगा। अब जो देहभान वाला है केदारनाथ, तो देहभान की मिट्टी, इसे देहभान की मिट्टी से कोई का कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? है? जो कहा गया, क्या नाम है उसका भक्ति मार्ग में? कार्तिकेय, छह कृतिकाओं से जन्म हुआ, तो छह कृतिकाओं ने जिसको पाला उसमें देहभान तो ज्यादा हुआ ना। जब जय देहभान ज्यादा है तो उसका जो साथी होगा जन्म जन्मांतर का, उसमें देहभान होगा या नहीं होगा? है? वो नदी, उसका नाम क्या है भारत में? यमुना। यमुना क्यों? यमुना नाम क्यों दिया? सूर्यपुत्री है ना। सूर्यपुत्री है, सूर्यपुत्री है तो सूर्या नाम होना चाहिए। नाम तो यमुना है, भले कहते हैं सूर्यपुत्री है। कौन से धर्म से कनेक्टेड है? इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। लाम लगा देती है क्या? जब द्वापर युग में वो आत्मा सक्रिय होती है तो अपने पीछे पीछे उस धर्म में आने वालों की लाम माने लाइन लग जाती है। बहुत देहभानी है, बहुतों को देहभान वाला बनाती है। तो भारत की कौन सी नदी है जिसकी देह अभिमानी की मिट्टी एकदम चिपक जाती है? क्या ढेर सारा पानी डालो तो भी कुछ न कुछ मिट्टी देहभानी की चिपकी हुई रह जाएगी। तो केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? नजदीक से यमुना नदी, यमुनोत्री उस स्थान का नाम है। उसका गायन है जैसा बताया, क्या कि 6 महीने दरवाजे खुले रहते हैं, है? उसकी आत्मा का दरवाजा 6 महीने बंद रहता है कि खुला रहता है? है? खुला रहता है और 6 महीने बंद हो जाता है। और बाबा, वैज्ञानिकों का मानना ऐसा है कि इंसान को दिन में 60,000 विचारों का तरंग उठते हैं। विचारों का तरंग 60,000 बार उठते हैं दिन में, तो मन का यह संकल्प विकल्प के ऊपर जीत किस तरह पाई जा सकती है, इसका उपाय क्या है? ढाई हजार साल से गीता में वही श्लोक पढ़ते आए हैं। किस तरह? अर्जुन ने पूछा असंशयम महाबाहो, जवाब दिया मनोदुर्ने ग्रहम चलम अभ्यासेन। तो कौन थे? वैराग्य चक्रिय थे। भगवान आकर दो ही तरीके बताते हैं, खूब अभ्यास करो आत्मिक स्थिति का। आत्मा सो परमात्मा नहीं, कण कण में आत्मा है ये नहीं। क्या अभ्यास करो? आत्मिक स्थिति में रहने का, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। और क्या करो? आत्मिक स्थिति का अभ्यास कब होगा? मन में वैराग्य होगा तो ही। वैराग्य कब होगा? कौन सा टाइम है जब वैराग्य होता है? पुरानी दुनिया गई कि गई? 2,500 वर्ष में पुरानी दुनिया क्यों न गई? अब क्यों गई? है? संगम हो गया इसलिए गई। 78 साल हो गए, 78 साल में कितनी बार बोला गया दुनिया गई कि गई?
बूढ़ी बूढ़ी यज्ञ की माताएं कहती हैं, या यज्ञ के आदमी भी बाबा कहते थे, 10 साल में विनाश हो जाएगा, 2 साल में विनाश हो जाएगा, विनाश हुआ ही नहीं। 76 में भी बोला विनाश हो जाएगा, 2000 में भी बोला विनाश हो जाएगा, विनाश हुआ ही नहीं। कब गई कि गई है? फिर लोगों को विश्वास उठ जाता है ऐसा, कि इस बात से कि वो ब्रह्मा कुमारी वाला बोलता है ना कब विनाश हो गया, तो बोलता है होता तो कुछ नहीं ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो बैराग कैसे आएगा? अरे बैराग आने का भी मूल कोई होगा, लाने का कोई मूल होगा कि नहीं होगा? अरे बैराग में लाने का कोई मूल नहीं है, कौन है? वैराग में लाने का मूल माने बीज कौन है जो पहले पहले वैराग में आता है? अरे झाड़ होता है ना, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसमें इस झाड़ में जड़े भी हैं, तना भी है, टहनियां भी हैं, पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं। सबसे पहले किसको वैराग होता है? कौन से बीज को? बीज तो ढेर आते हैं। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बीज कौन? उसकी उसकी श्रेष्ठ क्या है? आप बोए मर गए दुनिया, उसको पहले वैराग आता है ना, तो दुनियादारी से, ब्राह्मणों की दुनिया से, ठीक है वो मान लिया, तो वैराग में इमर्ज हो जाता है उसको, तो मर जाओ जीते जी तो मर गए ना, वो तो मर गए नहीं, वो उसकी बात, राम बाप की बात या प्रजा। हाँ, उस मूल को पकड़ो, सब तो नहीं मरे, जो षष्ठी रूपी वृक्ष में पहला पहला फल आता है, उस पहले पहले फल का जो बीज तैयार होता है, अंदर अंदर बीज तैयार होता है ना, वो बीज उस वृक्ष से सबसे पहले पहले अपना कनेक्शन क्या करता है? कट कर देता है। जैसे आम है ना, आम जब पक जाता है, रख दो, पकते पकते सूखने लगेगा, फिर उसको बजाओ, बजेगा ना। तो ऐसे ही जो बीज है वृक्ष से अपना कनेक्शन सबसे पहले कट कर देता है। ऐसा कोई बीज है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर? अरे खुद ही वैराग में पहले पहले नहीं आएगा तो दूसरों को वैराग लाने का निमित्त कैसे बनेगा? कोई है या नहीं है? कौन है? झाड़ में तो दिखाया है? नहीं दिखाया? क्या दिखाया? शंकर की मूर्ति। शंकर का जो चित्र है वो झाड़ से ऊपर दिखाया है, और सब आत्माओं को वैराग में खींच रहा है। तो वैराग भी तब आएगा जब उस एक बीज रूप बाप को पहचानेंगे जो निमित्त है वैराग में लाने का, जो विश्वास पैदा कराता है ये दुनिया गई कि गई, चाहे वो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया हो और चाहे वो बाहर की पुरानी दुनिया हो, वो दुनिया अब गई कि गई ये निश्चय करा देता है। अगर उस बीज रूप बाप को पहचाना है तभी तो उसको फॉलो करेंगे। फॉलो फादर कैसे करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? अरे वे चुप क्यों हो गए? फॉलो तो करेंगे। तो जैसे वो फॉलो करके आप मुए मर गई दुनिया, ऐसे दुनिया की बातों को सुनते हुए भी न सुनना, इनके कर्मों को देखते हुए भी, हजार आंखों से देखते हुए भी न देखना, ऐसी स्टेज कर्म इंद्रियों की बनाई जाए। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जैसे किया किया न किया,
ऐसी जब मन बुद्धि की स्टेज बनती है तो इस दुनिया से बैराग आता है। बैराग, राग माने प्यार, वी माने विपरीत, प्यार के विपरीत। प्यार के विपरीत क्या होता है? प्यार के विपरीत क्या होता है? नफरत। इस पुरानी दुनिया से नफरत आ जाए, नाना चाचा काका मामा ताऊ सब बेकार हैं, अभी नहीं दिखाई पड़ते हैं तो आगे चल के सब बेकार दिखाई पड़ेंगे, सब दुखदाई हो जाएंगे। लेकिन विश्वास होता है बाबा की बातों पर? क्या होता है कि बाप बाप नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, पति पति नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, कोई अपना साथी नहीं रहेगा, सब धोखेबाज, सब झूठे। अभी अनुभव होता है? अभी अनुभव होता है, इसका प्रूफ है कुछ? बुद्धि बुद्धि से, बुद्धि से मिल जाएगा। वर्षा भी है, थोड़ा थोड़ा होता है, नंबर वार होता है। और अब मुझे और वार्तालाप में बोला है कि मैं करनी घोर बनकर आया हूँ। हाँ ठीक है, नहीं बन के आया? अरे है, विस्तार से बताएं। अच्छा, करनी घोर कैसे कहते हैं? पुरानी चीजें ले जाते हैं। आदमी मर जाता है पुरानी, कोई मर जाता है तो जो मरा हुआ है उसकी जो भी पुरानी पुरानी चीजें हैं उन चीजों को दान में ले लेता है। तो ये कहते हैं नंबर वार मरे हैं, नंबर वार वैराग आता है, आया है। तो जिनको नंबर वार वैराग आएगा, जिनसे वैराग आ जाएगा तो क्या कहेंगे? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरा। करेंगे या नहीं करेंगे? तो पुराना देंगे या नया देंगे? है पुराना ही तो देंगे, नया थोड़ा ही दे देते हैं। और बाबा जीवेश्वर को शंकर का बच्चा बताओ। हाँ? शंकर का बच्चा है कौन? जीवेश्वर। जीवेश्वर क्या? जीवेश्वर शंकर के जीव से पुरुष तैयार हुआ, उसका नाम जीवेश्वर। वो भक्ति मार्ग में कोई अवतार दिखाते हैं शंकर का? हाँ? भक्ति मार्ग में जीवेश्वर नाम का? हाँ? कोई अवतार दिखाते हैं? हाँ? और उसको कहते हैं कि वो शंकर का बच्चा है। हाँ? जीव से निकलता है। तो है नाम दिया है। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे ही दिखाए गए हैं, कोई मुंह से निकलता है, कोई कान से निकलता है, कोई नाक से निकलता है। अब ये भी पता है कि जो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु तो कोई होता ही नहीं, माना शंकर और ब्रह्मा, राम और कृष्ण दो ही आत्माएं हैं। उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो संपन्न बनता है। तो दिखा दिया होगा तो क्या बड़ी बात है। ब्रह्मा के फोटो के नीचे कुत्ता क्यों दिखाया है? अच्छा, वो एक और देवता है दत्तात्रेय, तुमने तो एक कुत्ता बताया, उसके पीछे चार पांच कुत्ते लगे हुए हैं। अब वो दत्तात्रेय कौन है? हैं? त्रेय माने तीन से, तीन के द्वारा, दे माने दिया हुआ, त्रेय, त्रेय माने तीन के द्वारा, दे माने दिया हुआ, दत्तात्रेय, दत्ता माने दिया हुआ। कौन से तीन से मिला? शिव आते हैं
तो किसके साथ आते? ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ आते। उनसे कौन निकला पहले? उससे पहले किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा का। पहला पत्ता सृष्टि का कौन? ब्रह्मा कृष्ण। तो दत्तात्रेय है। दत्तात्रेय का विशेष गुण क्या था? गुणग्राही था। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में सब बच्चों के गुण देखे या किसी के अवगुण देख करके नफरत की? गुण ही गुण देखे। तो वो दत्तात्रेय है। वो दत्तात्रेय के पीछे एक कुत्ता नहीं लगा हुआ है, वो एक तो खास है जो आदि से अंत तक भी लगा रहा, छोड़ा नहीं। कौन से धर्म का होगा? इस्लाम धर्म का। और बाकी तीन कुत्ते और हैं, वो आपने देखे ही नहीं। और बाबा, हाँ, दिसंबर से पहले ब्रह्मा बाबा मधुबन में नहीं आए, मतलब लंबे समय के लिए नहीं आए, तो उसका क्या रहा था? क्या? तो 3 साल। इस साल दो बार बाप दादा। हाँ, प्रवेश तो नहीं हुई बाप दादा की। हाँ, ब्रह्मा बाबा की दुकान है ना। ब्रह्मा बाबा की दुकान कौन सी है? पीबी के दुकान है या बीके की दुकान है? ब्रह्मा बाबा की दुकान है ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, उन्हीं ने स्थापन किया है। उन्हीं ने वो दुकान खोली है कि कोई और ने खोली है? उन्हीं ने खोली है। तो जब दुकान कोई बंद करके बैठ जाता है तो कोई जरूरी काम होता होगा, तभी तो बैठता होगा। क्या ऐसे ही दुकान बंद करके बैठ जाता है कोई? दुकान उसकी धंधा धोरी है, वो धंधा धोरी को बंद करके कोई बैठेगा तो उससे ज्यादा जरूरी कोई काम होगा तब बैठेगा, या ऐसे ही बैठ जाएगा? ज्यादा जरूरी काम है उनकी बुद्धि में बैठ रहा है। सबसे पहले भी बैठा था क्या? जब पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा बड़े आराम से बैठी हुई सागर में दिखाई जाती है यादगार, कब की बात है? है कौन है पीपल का पत्ता? सबसे ज्यादा हिलने डुलने वाला वो पीपल का पत्ता जगदम्बा, वो जगदम्बा रूपी पीपल का पत्ता रूपी नवैया जिसका आधार कौन लेता है? है ब्रह्मा वाली आत्मा। आदि में भी किसका आधार लिया था ब्रह्मा ने? प्रजापिता चला गया, फिर किसको गुरु बनाया? कोई माता थी ना? ऐसी ऐसी बच्चियां जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, डायरेक्शन देते थे, मुरली चलाते थे, आज वो बच्चे हैं ही नहीं। ठीक ही नहीं, कोई आधार लिया था कि नहीं? अरे आज में भी आधार लिया, तो 86 में फिर आधार लिया, और आधार लेकर के कुछ समझा या नहीं समझा? कैसे ही आधार ले लिया है? समझा। तो जितना जो कुछ समझा उस समय सात्विक स्टेज थी, तो 1 वर्ष उस समय भी, 1 सीजन में ब्रह्मा बाबा बीके में नहीं आए। ये एडवांस की आदि थी उनके लिए। फिर अभी अंत है, तो आदि में समझा सात्विक स्टेज की बुद्धि से, तो अंत में भी समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे? आदि सुवंत अभी भी उनकी बुद्धि में बैठ रहा है। कम बैठ रहा है कि ज्यादा बैठ रहा है? ज्यादा ही बैठ रहा है। कि सच्चाई किधर है? मैं जो दुकान चला रहा हूं
वहां हीरे अच्छे अच्छे हैं, बेस कीमती, या एडवांस पार्टी में अच्छे अच्छे बेस कीमती हीरे हैं? ये क्योंकि आज में भी दोनों भागीदार थे, दोनों की अपनी अपनी हीरे की दुकान थी, एक की छोटी दुकान थी और एक की बड़ी फर्स्ट क्लास फर्टाइल दुकान थी। किसकी दुकान ज्यादा चलती थी? है ब्रह्मा बाबा की बहुत दुकान अच्छी चलती थी, और भागीदार की दुकान मार्केट में जैसे उनकी मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं। वो सच्चे हीरे बेचता था, कोई ले या ना ले। और ये क्या करते थे? सोने की डब्बी और उसमें आर्टिफिशियल हीरा रख दिया। बड़े बड़े ऊंचे घर की आती थी, उनको बेस कीमती पैसा लेकर के बेच देते थे। तो कौन चालाक था, कौन सच्चा था धंधे में? है तो जो आदमी था व्यापारी, वो ही व्यापारी अब भी है। उस व्यापारी ने जान लिया कि मेरी ये जो दुकान है चैतन्य हीरों की, ये सब इमिटेशन है, विदेशी है। सच्चे हीरे विदेश से आते हैं या स्वदेश से आते हैं? हैं? कहां से आते हैं? विदेश से आते हैं, स्वदेश में आते हैं, अफ्रीका से नहीं आते हैं? हैं? अफ्रीका भी अफसोस अरीका क्या? अरे इस जन्म में प्राप्ति नहीं हुई, इस जन्म में नहीं मिला साकार में लंबे समय तक, तो भी अफसोस किस बात का? जन्म जन्मांतर की प्राप्ति चाहिए या एक जन्म की प्राप्ति चाहिए? जन्म जन्मांतर की प्राप्ति चाहिए। वो मिल गई तो अफसोस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो नाम उस देश का पड़ गया अफ्रीका, जहां हीरों की खान है बड़ी बड़ी। तो बाबा जानते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि जो विजयमाला है, जो रुद्रमाला है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरे हैं, क्या बेस कीमती हीरे हैं। और मेरी दुकान में तो सारे कैसे हीरे भर गए, सारे झूठे हीरे मेरी दुकान में भरे हुए हैं। तो उनकी बुद्धि किस तरफ दौड़ेगी? है बेस कीमती हीरों की तरफ उनकी बुद्धि जाती है, इसलिए वो दुकान बंद कर देते, हम नहीं आएंगे अभी। ऐसा 3-4 बार हो चुका अभी लास्ट में, और आगे और होता जाएगा। और बाबा, एक वार्तालाप में बाबा ने कहा है कि कन्याओं माताओं को बाहर काम करने की दरकार नहीं है, इसके लिए सजा वो खानी पड़ेगी धर्मराज। बाबा ने तो डायरेक्शन ऐसा ही दिया है, कन्याओं माताओं को नौकरी धंधा पेट के लिए नहीं करना है, पेट के लिए धंधा धोरी करना ये पुरुषों का काम है। हाँ, तो आपकी शिकायत क्या है? नहीं, लेकिन अभी कई माताओं की ऐसी मजबूरियां रहती है कि उनके बिगर घर नहीं चलता, उनको घर हाँ? तो काम करना पड़ता है, तो फिर उनके लिए भी वही होगा है? उनके लिए भी वही होगा। उनके लिए क्या होगा? मतलब कोई घर में ऐसा रहता है कि कन्याओं माताओं को काम करके घर चलाना पड़ता है। कोई मिसाल है? मतलब पुरुष ऐसे आपके पास कोई मिसाल है? नहीं है ना ऐसा। हाँ, क्या है? रहते ऐसे कई माता है जो उनके बिगर घर नहीं चलता है, उनको कमाना पड़ता है। उनके बिगर घर नहीं चलता है, कमाना पड़ता, कौन सी मिसाल है ऐसी? उसके पति कम कमाता होगा है? जिस लेडीज, अरे पति को निठल्ला बनाती भी कौन है? आराम से निठल्ला बनाए रही, खूब शराब पियो, मस्ती मारे घर के दोनों लोग। मतलब कई घर के पति ऐसे होंगे जो काम
मतलब होशियार नहीं होते, घर नहीं चला पाते, कमा नहीं पाते। शादी करने के लिए होशियार होते हैं। बच्चे पैदा करने के लिए बड़ी होशियारी है। कहते हैं अपने को ब्राह्मण। हाँ। सूर्य लोक शिव बाबा सूर्य है। एक आदमी बोले तुरिया 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 माने जो सबसे भिन्न हो, सबसे अलग थलग, जिससे कोई मेल नहीं खाता हो, किसी बात में उसके साथ मेल नहीं, उसको कहते हैं तुरिया। जैसे शिव ज्योतिबिंदु है क्या तत्व होता है? हाँ तत्व है, निराकारी स्टेज का तत्व है। और नक्शा दिखाते है ना, हाँ उसमें माना हाथ ऐसे करते है ना, ऐसे माना इस तरह का हाथ है, इधर से ऐसे तरह माना हाथ जोड़े हो या ऐसे करा हो, उसका मीना बेहद में अर्थ क्या है? इस तरह का जो भाग दिखाया हुआ है भारत माता को कैसे दिखाते हैं? भारत माता का चित्र कैसे दिखाते हैं? हाथ जोड़े खड़ी है कि नहीं है? है ना, जब बाप है, बाप आता है तो बीवी बच्चों को क्या कहता है? बच्चे नमस्ते, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो माता नहीं करेगी है? वो माता कहाँ से निकलती है? है वो माता कहाँ से निकलती है? गुजरात से निकलती है। बापा मुरली में बोला है, वार्तालाप में भी कहते हैं बिच्छू टंडन बाप के, बिच्छू टंडन बच्चे। हाँ समझ लिया है? अच्छा अपने को नहीं समझते है? और ये सब बिच्छू टंडन बैठे हैं, बाबा ने इनको कहा होगा है? मैं तो नहीं समझता हूँ इस बात को ऐसे है? उसका अर्थ क्या होता है? बिच्छू टंडन माने डंक मारने वाले। डंक माने कड़वी बात, कांटा लगाने वाले। तुम बच्चों ने मेरी सबसे जास्ती ग्लानी की है, है? किन बच्चों ने, किन बच्चों ने सबसे जास्ती ग्लानी की है? इस्लामियों ने, मुसलमानों ने, क्रिश्चियंस ने, बौद्धियों ने, सन्यासियों ने मेरी इतनी ग्लानी नहीं की है जितनी तुम बच्चों ने मेरी ग्लानी की है। कौन है वो तुम बच्चे? पीठ पीछे वाले हैं कि सन्मुख वाले हैं? नहीं समझ में आया? ग्लानी नहीं की है बाबा? झूठ बोलते है? माने बाबा ने जो बोला मुरली में वो झूठ बोला है या सच्चा बोला? सच्चा बोला। अभी एक टाइम ऐसा आने वाला है, माया की फाइनल परीक्षा होने वाली है, जिसमें 4.5 लाख के भी नंबर डिक्लेयर होंगे, 9 लाख के भी नंबर डिक्लेयर होंगे, और 500 करोड़ के भी रुद्रमाला के नंबर डिक्लेयर होंगे। और नंबर कैसे पता चलेंगे? किसका कितना दृढ़ निश्चय है उसके आधार पर कि कोई और तरीका होगा है? है तो एक के अलावा सांप का निश्चय डिग जाएगा। अष्टदेव जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं बाप के,
बाप इस सृष्टि पर सदा कायम है या कभी कभी है? सदा कायम है। उस बाप के जन्म जन्मांतर के जो साथी हैं, उनको भी माया छोड़ देगी? उनको भी माया नहीं छोड़ेगी। आखिरी जन्म में वो भी नाक रगड़ जाएंगे माया के सामने। तो बाप की गिलानी करेंगे कि नहीं? बारह मास में 24 एकादशी आती है। हाँ जी, उसका अर्थ क्या है? अरे, एक और कितनी? दस। दस को और एक को मिलाया तो कितना हुआ? 11। और 10 कौन है? 10 धर्म। 10 धर्म है आधार, और उनके साथ साथ एक एक जुड़ी हुई है सहयोगिनी शक्ति। हाँ, तो कितनी हो गई? 24। हाँ, 24 कहाँ हो गई? 22 ही तो हुई है। और इन धर्मों का स्थापना करने वाला कोई है या नहीं है? है? उसका साथी कोई है या नहीं है कि निवृत्ति मार्ग में रह करके स्थापना करता है? है, है? प्रवृत्ति मार्ग में है। और 5000 साल के बाद जो हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, हिस्ट्री नहीं कहेंगे उसे, हिस्ट्री तो मनुष्यों की बनाई हुई है। हिस्ट्री तब बनती है, 5000 वर्ष की हिस्ट्री तो बाबा बताते हैं। इतिहास जिसे कहते हैं, हिस्ट्री जिसे कहते हैं, वो मनुष्यों की बनाई हुई है जिसके प्रूफ निकाले जाते हैं। तो प्रूफ तो कितने साल के मिल रहे हैं इस सृष्टि में? 2500 साल के प्रूफ मिल रहे हैं। उससे पहले तो इस सृष्टि में आधा विनाश हुआ था, सारी सृष्टि में उथल पुथल हो गई थी, और उस उथल पथल में प्रशांत सागर का सारा बड़ा हिस्सा टूट करके क्या बन गया? चंद्रमा उपग्रह बन गया। ग्रह बड़ा या उपग्रह बड़ा? पृथ्वी ग्रह है या उपग्रह है? पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह। जो हल्का होगा वो चक्कर काटेगा, या जो भारी होगा वो चक्कर काटेगा? हल्का। चंद्रमा उपग्रह चक्कर काटता है, और पृथ्वी चंद्रमा के चक्कर नहीं काटती। पृथ्वी किसके चक्कर काटती है? सूर्य के चक्कर काटती है, क्योंकि पृथ्वी माता है, बाप नहीं है। तो बाप है, वो माता है, वो बच्चा है। बाबा अजमेर में राजस्थान में जो दरगाह है सबसे बड़ी स्टेज, वही इस्लामी धर्म वाले बोलते हैं भारत का ताज है, तो उनका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज। तो किसकी यादगार है श्रेष्ठ आत्माओं की? उसका नाम क्या है शहर का? अजमेर। अजमाने क्या होता है? मेड़माने क्या होता है? आज माने बकरा, और मेड़ माने मेढ़ा, जिसकी पीठ में से ऊन निकाली जाती है। जहां भेड़ बकरियों का झुंड बहुत देखने में आता है। क्या भेड़ बकरियों की शिफ्ट क्या होती है? एक बकरी जिधर जाएगी पीछे पीछे सारा ही झुंड जाके गिरेगा। और बकरी क्या करती है? मैं। बकरा भी, वो भेड़ भी क्या करता है? वो भी मैं करती है। और तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसी है जो कहती है कि भगवान तो सिर्फ निराकार है? क्या वो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है? प्रैक्टिकल में तो स्वर्ग स्थापन करने वाले हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और उनकी मुखिया मैं हूं। मैं करके वो बड़े बड़े पोस्टर छपाती है। कभी देखे कि नहीं वो पोस्टर?
उन पोस्टरों में तीन मूर्तियां रख देती है ब्रह्मा कुमारियों की, उनमें एक मूर्ति अपनी सर्वोपरि रखती है। शिव बाबा आते हैं तो तीन मूर्तियां बताते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु, सबसे ऊपर की मूर्ति कौन, शंकर। तो सबसे ऊपर की मूर्ति खुद को रखती है और बताती है कि ब्रह्मा बाबा तो चले गए, भले शरीर छूट गया प्रैक्टिकल में, वो तो सिर्फ रास्ता बताते हैं और हम नई दुनिया की स्थापना करते हैं। नई दुनिया बनाने का काम, स्वर्ग बनाने का काम मेरा है, मैं ही हूं इस दुनिया में सब कुछ। क्या तो सारे भारत का सरताज कौन हुआ, मेढ़ा या बकरा है? अजमेर, जहां कौन से देवता का मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर है। यादगार मंदिर कहाँ है, अजमेर, वो हद का यादगार मंदिर है। बेहद का यादगार मंदिर ब्राह्मणों की दुनिया का कौन सा है? माउंट आबू, वहां बड़ा मेला लगता है मुसल्लों का। इकट्ठे होते हैं कि नहीं उस मेले में, आप लोग जाते कि नहीं जाते? पहले जाते थे जब ज्ञान नहीं था, है? बाप की पहचान नहीं थी उस समय, बकरी को हमने अपनी अम्मा मान लिया स्वर्ग स्थापन करने वाली, तब जाते थे। अब बकरी तो खत्म हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई बाबा, अल्लाह को प्यारी हो गई। हाँ भाई का सवाल अधूरा रह गया है, जो भाई कुछ आगे और आगे और है। हाँ, आखिरी जन्म है कि आखिरी जन्म के अंदर जो हमारे संबंध और संपर्क में आए हैं, जैसे अभी ये लोग सब आए फैमिली वाले सब, वही 5,000 साल के बाद वो वापिस मिलेंगे, हूबहू ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही चश्मा आप लगाएंगे। और उनके हिसाब किताब भी जो अभी हफ्ते की वही रिपीट हो गए। आप तो गीता पढ़ते रहे हैं ना, गीता पढ़ी ना, गीता में भी तो लिखा हुआ है, प्रकटे क्रियमाणाने गुणे कर्माणि सर्वस्य। प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से आत्मा के अंदर, आत्मा रूपी पार्टधारियों के अंदर सब गुण और कर्म भर दिए हैं रिकॉर्ड में। अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते, जो अहंकार में भरी हुई आत्मा है वो मारे अहंकार के ऐसा समझती है कि मैं करता हूं। क्या कर्म कौन करता है, मैं आत्मा करती हूं। अरे आत्मा करती है या आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पहले से भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जो बच्ची जो भरा हुआ है वो ही रिपीट होगा। तो भरा हुआ रिपीट हुआ, हाँ? बच्ची को कैंसर है, हाँ? वो आई और चली गई, हाँ? मेहमान आए थे और चली गई। उसके साथ जो हिसाब किताब हो गया कि वापिस 5,000 साल वही बच्ची आएगी, हाँ, 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 फिर आएगी, फिर आएगी, वही। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, हिसाब किताब चुकते कर दिया, उसका जो हिसाब किताब था उसको अच्छी ट्रीटमेंट दी, उसके लिए अच्छी मेहनत की, पुरुषार्थ किया, और वापस वही आने वाला है। अभी आपको पता है वो बच्ची ने कहाँ जन्म लिया होगा, वो तो शरीर मरता है, जन्म तो लिया है, जरूर लिया है। वो आत्मा आगे चल के आपके संसर्ग संपर्क में आ सकती है कि नहीं, आ सकती है जरूर। तो हिसाब किताब नहीं बांधेगी, वापिस बांधेगी नहीं, तो नए संसर्ग बांधेगी, तो शूटिंग करेगी कि नहीं, शूटिंग तो करेगी, अब आसे फिर क्या बात है। लेकिन जो पुराना हिसाब किताब जो हुआ के वही रिपीट, वो अगले कल्प में वैसे ही हिसाब किताब 63 जन्म में बनता है और वैसे ही आकर के संगम युग में चुकुतु होता है। अरे पीछे वालों को भी बोल ले दो, हाँ यमुना के कंठ पर स्वर्ग बने। हाँ
यज्ञ के आदि में यमुना रही होगी या नहीं रही होगी? है? रही होगी। यज्ञ के आदि में स्वर्ग का मॉडल कब बना था? कराची में। कराची में बना था ना। जब बना था तब यमुना रही होगी या नहीं रही होगी? रही होगी। उस समय भी यमुना के कंठे पर था, मॉडल भले बना, शूटिंग तो हुई। अभी प्रैक्टिकल में फिर स्वर्ग बनेगा, प्रैक्टिकल में बनेगा। पहले मकान बनाया जाता है तो मॉडल बनता है कि प्रैक्टिकल में मकान खड़ा हो जाता है? तो यज्ञ के आदि में मॉडल बना, जैसा मॉडल होता है वैसा ही मकान बनता है कि पूरा चेंज हो जाता है? वैसा ही बनता है। तो यज्ञ के आदि में भी यमुना थी और अंत में भी यमुना हो। हम सब आगु में तपस्या करेंगे और विनाश हो जाएगा, दुनिया की कोई भी चीज बचेगी नहीं, सब खत्म हो जाएगी और स्वर्ग होगा दिल्ली में। आगू से दिल्ली कैसे जाएंगे? कोई साधन तो होगा। सब कुछ हो जाएगा। नहीं, दुनिया में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो कुछ हो जाएगा, जो कुछ भी हो जाएगा अच्छे से अच्छा ही होगा। जो होगा अच्छे से अच्छा ही होगा, लेकिन वो अच्छे से अच्छा करने वाला करण करावनहार वो पहले करे या हम पहले करें? वो पहले करे। आपका मूल प्रश्न क्या है? कैसे आएंगे नई दुनिया में? आबू से दिल्ली कैसे जाएंगे? सफर तो होगा नहीं। अच्छा, कुछ खाने पीने योग्य तो खाएंगे क्या? आप भूल गए, सारा ही ज्ञान भूल गए। ज्ञान में बताया आत्मा कहाँ से आती है, तो आप परम नाम पहले जाएंगे या माउंट आबू से कुलांश लगा के सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे? है? है? आपकी आंखें है, ये किसने कहा ये आंखें कान खत्म हो जाएंगे? हाँ, आंखें आबू में रहेगी। आपका परम धाम दिल्ली में होगा, लेकिन बीच में दुनिया का विनाश होगा या नहीं होगा? जब विनाश होगा तो सारी सृष्टि पर जलमयी और बर्फमयी होगी या नहीं होगी? वो सब बर्फमयी में आप दबेंगे या नहीं दबेंगे? भूल गए, दब जाएंगे। तब आत्मा आपकी कहाँ पहुंच जाएगी? परमधाम। परमधाम से जब टाइम होगा, बर्फ हटेगी ऑटोमेटिक, आपकी आत्मा उस शरीर में प्रवेश करेगी। आपकी आंखें यही रहेंगी, बदल जाएंगी? इनकी ऑपरेशन हो जाएगा, रहेगी तो यही। तो उन आंखों से देखते देखते आप आपने आप दिल से दिल को राहत होती है कि नहीं होती है? हाँ। तो आपका दिल रुद्रमाला है ना, आप रुद्रमाला के मणके हैं ना, तो रुद्रमाला के मणकों का दिल विजयमाला की जिस मणकी से जुड़ा हुआ होगा और दिल से राहत होगी, दिल की दिल से राहत होगी, तो वहीं दौड़ के पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? बोलो, पहुंचेगी। हाँ। आप तो नजदीक की बात कर रहे हैं, माउंट आबू की। बाबा ने कहा है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो रुद्रमाला के, जैसे भाई ने अभी पूछा, सबसे ज्यादा निंदा कराने के निमित्त तो कौन बनते हैं? हैं? मेरे बच्चे। तो उन बच्चों में जो और धर्म के बच्चे हैं, बीज हैं,
मान लो इस्लाम धर्म के बीज है, क्रिश्चियन धर्म के बीज है, या नास्तिकों के बीज है, तो वो तो सबसे ज्यादा निंदा कराएंगे नहीं क्या कराएंगे? हैं? कराएंगे। घोर अंधेरी रात महाशिवरात्रि लाएंगे या नहीं लाएंगे? हैं? लाने के निमित्त बनेंगे ना। उस घोर अंधेरी रात में सूरज दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई? विदेशियों को दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई पड़ेगा? डूब जाएगा। तो जो निंदा कराने वाले बच्चे हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे, न दिल्ली में, न दिल्ली के नजदीक, न माउंट आबू ने, न माउंट आबू के नजदीक, भारत में कहीं भी नजदीक उनको ठौर नहीं मिलेगा। विनाश के टाइम पर जब एटम बम फट रहे होंगे, प्राकृतिक प्रकोप हो रहे होंगे, दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में टकराव कर रहे होंगे, एक एक बड़े बड़े शहर में रोज की रोज आग लगने के, धमाका होने के समाचार आते रहेंगे, उस समय वो बच्चे कहाँ डाले जाएंगे? विदेश। है? विदेश। विदेश में डाले जाएंगे। बाप की निंदा कराने का उनको उजूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। वहां से बर्फमयी होगी कि नहीं? जलमयी, और जलमयी के बाद बर्फमयी होगी नहीं सारी दुनिया में? उनके शरीर वहां दब जाएंगे कि नहीं? फ्रीज में निकलेंगे कि नहीं? टाइम पर निकलेंगे तो कैसे आएंगे वहां? हवाई जहाज तो होगा नहीं उस समय, होगा नहीं? होगा। ट्रेन होगी? कुछ भी नहीं होगा। आएंगे या नहीं आएंगे? हैं? आएंगे। बाबा, हाँ, जो ज्ञान में चलना चाहती है आत्मा, उन्हें डायरेक्ट एडवांस में ला सकते हैं? हाँ, आ नहीं रही है। नहीं, जो चलना चाहती है ज्ञान सुन के, उन्हें डायरेक्ट एडवांस में ला सकते हैं? जो बेसिक में नहीं चलते हैं? नहीं। हाँ, ऐसी आत्मा यहाँ नहीं बैठी है, आपको पता ही नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे बैठे हुए हैं जो बीके में कभी नहीं गए, पूर्व जन्म में गए थे, वो पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व के संस्कार उनको यहाँ खींच कर ले आते हैं, तो क्यों नहीं ला सकते? बाबा, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें 2 प्रकार के बताए गए, चल और अचल। हैं? चल और अचल। हाँ, इसका अर्थ क्या? चल माने चलने वाले, अचल माने वही वही की वही। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए, उनमें जो कंपिला गांव में यादगार बनी हुई है वो विमलनाथ स्वामी कहा जाता है। अर्थ क्या हुआ? कैसा स्वामी? विमान विपरीत, और मल माने गंदगी, जो गंध से रहित है, वो विमलनाथ स्वामी अचल होकर के वहीं रहा, कहीं आया गया नहीं, वहीं उसका जन्म दिखाया जाता है, वहीं उसके सारे संस्कार जीवन के दिखाए जाते हैं, मोक्ष भी वहीं दिखाया जाता है। तो उनको अचल कहेंगे कि चल कहेंगे? अचल। बाबा, दिल्ली राजधानी में अभी 2 बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा, तो तीसरा जिसमें केजरीवाल जो टपक पड़ा है, तो अपने में चला है। अच्छा, तुमने मुरली में कभी सुना कि प्रकृति अपने दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है? सुना? तो झाड़ू वाली पार्टी का तुम्हें पता ही नहीं चला आज तक? है वो झाड़ू वाली पार्टी
जो झाड़ू लगाएगी वो झाड़ू लगाने वाली कौन सी जाति की गिनी जाती है? भंगी। कौन सी जाति के भंगी वो जो होते हैं वो झाड़ू लगाते हैं? निचली जाति के। हैं? नीची जाति है ऊंची जाति? नीचे काम करने वाले। तो झाड़ू वाली पार्टी उसकी अभी शुरुआत है, यह तामसी स्टेज है। शुरुआत में अच्छा ही काम करेगी या खराब काम करेगी? अपना नाम बनाने के लिए। तो पता नहीं चल रहा है? चल रहा है। अच्छा हाँ। और केसरीवाल नाम क्यों? केसरीवाल। केसरी किसे कहा जाता है? हाँ जा वो सा बढ़ कर अंग्रेजी में लिखो ना केजरी। हाँ तो केजरी कोई अर्थ नहीं होता है। केसरीवाल, केसरी शेर को कहा जाता है। क्या शेरवाली? क्या नाम है उसका? हाँ शेरवाली। तो शेरवाली है या नहीं है? है। गुजरात के जो सिर पर से वो कर्कवृत दिखाते हैं ना है? वो तीन रेखाएं दिखाते हैं ना, कर्कवृत, विषुववृत और मकरवृत। वो गुजरात में ही दिखाते हैं? नहीं वो कर्कवृत है ना वो गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में से पसंद। ठीक है कर्कवृत। हाँ कुछ करके गुजरेगी। हाँ मकर आए तो कुछ न कुछ मकारी दिखाएगी। ओम शांति। मैं क्या करूं, इंडिकेटर आता है तो काम करना पड़ेगा। वो डायरेक्टर सबको नहीं दिखाई देता। अरे बैठे रहो बैठे रहो। क्या करेंगे? खाना खाने के लिए माताओं का नंबर पहले लगाएंगे कि भाई लोग? माताओं का पहले। माताओं का पहले।